जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये डायलॉग तो याद ही होगा आपको, इसी डायलॉग ने हमें एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन दिए थे। और आपको पता है ये डायलॉग उन्होंने किसके सामने बोला था? बॉलीवुड के शेर खान प्राण के सामने। आज प्राण का 100वां जन्मदिन है तो बात आज प्राण की। आपको पता है अगर प्राण ना होते तो हमें अमिताभ भी ना मिलते। अमिताभ के नाम की सिफारिश प्राण ने ही डायरेक्टर से की थी और तभी उन्हें फिल्म मिली थी जंजीर। और इसी फिल्म से अमिताभ की इमेज एक एंग्री यंग मैन की बनी। प्राण खुद उसमें विलन थे। अब जब सामने इतना दमदार विलन होगा तो हीरोगिरी तो चमकेगी, और अमिताभ की हीरोगिरी खूब चमकी, आज तक चमक रही है। देखिए, प्राण दिल्ली के बल्ली मारान में पैदा हुए लेकिन उसके बाद लाहौर चले गए। बंटवारे से पहले उनका जन्म हुआ था, उस वक्त लाहौर भी भारत का ही हिस्सा था। प्राण को एक्टिंग का शौक था तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नाटक में काम करना शुरू किया। और सबसे पहले जानते हैं उन्होंने किसका रोल किया था, उन्होंने सीता का रोल किया था। शिमला में वो नाटक हुआ था। खैर, अब फिल्मों की बात करते हैं। प्राण साहब को पान खाने का बहुत शौक था, खाने पीने के वैसे भी शौकीन थे लेकिन पान के खास तौर पे शौकीन थे। तो एक दिन पान खाने एक दुकान पर गए, वहां फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा कोई शख्स मौजूद था। उन्होंने कहा कि भाई एक्टिंग करेंगे? प्राण साहब ने कहा क्यों नहीं, और इसी तरह से उनकी फिल्मों में एंट्री हो गई। देखिए, प्राण साहब लाहौर से मुंबई आए किस तारीख को? 14 अगस्त 1947, यानी बंटवारे से महज एक दिन पहले प्राण साहब मुंबई आए। उनके पास पैसे नहीं थे, अपने दोस्त से पैसे उधार लिए और मुंबई आ गए। यहाँ आकर फिल्मी सफर शुरू किया और क्या विलन बने ये हम सब जानते हैं। एक दौर आपको पता है ऐसा था जब माँ बाप बच्चों का नाम प्राण नहीं रखते थे, क्योंकि प्राण का मतलब ही हो गया था एक बुरा आदमी, एक ऐसा विलन जो अच्छे काम कर ही नहीं सकता। लेकिन प्राण साहब पर्दे पर जितने खूंखार विलन थे, असल जिंदगी में वो उतने ही अच्छे इंसान थे, यारों के यार थे। एक बार राज कपूर से उन्होंने एक फिल्म के, जानते हैं कितने पैसे लिए थे? 1 रुपया। राज कपूर ने फिल्म बॉबी बनाई, अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च किया, तो प्राण साहब ने कहा कि भाई मैं तुमसे 1 पैसा नहीं लूंगा, सिर्फ 1 रुपया लूंगा। 1 पैसा नहीं लूंगा लेकिन 1 रुपया लूंगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस वक्त राज कपूर की आर्थिक स्थिति जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं थी। राज कपूर मेरा नाम जोकर बनाने के बाद काफी कर्ज में डूब गए थे, तो प्राण ने उस वक्त उनकी मदद की और उनसे 1 रुपया लिया और इस फिल्म में काम किया। और इस फिल्म में उनकी भूमिका आपने देखी थी, बहुत दमदार भूमिका थी और बॉबी भी जो है काफ़ी कामयाब रही। ऋषि कपूर उसके बाद जो हैं काफ़ी बड़े स्टार बने। खैर, प्राण से जुड़े किस्से यहीं ख़त्म नहीं होते। देखिए, प्राण साहब के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो एक्टर बनना ही नहीं चाहते थे, वो तो एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे। लेकिन फिर उनकी मुलाकात एक पान की दुकान पर, जैसा कि हमने आपको बताया, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक शख्स से हुई। उन्हें फिल्मों में काम मिल गया और उसके बाद तो इतिहास बनाया उन्होंने। अच्छा, प्राण साहब ना उसूलों के बड़े पक्के थे। आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक फिल्म थी बेईमान, 1972 में आई थी। उस फिल्म के लिए प्राण साहब को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना किसी भी सितारे के लिए बड़ी बात होती है, लेकिन प्राण साहब ने वो अवार्ड लौटा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसी साल कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा रिलीज़ हुई थी और उस फिल्म को कोई अवार्ड नहीं मिला था। तो प्राण साहब का कहना था कि भाई अवार्ड तो इस फिल्म को भी मिलना चाहिए, और इसी बात से खफा होकर उन्होंने अपने अवार्ड को वापस कर दिया। देखिए, प्राण साहब कितने बड़े विलन थे ये हम सब जानते हैं, लेकिन उन्होंने कैरेक्टर रोल्स भी खूब किए। मनोज कुमार को ये क्रेडिट जाता है, फिल्म उपकार में उन्होंने प्राण साहब को लिया, एक कैरेक्टर रोल दिया, और उसके बाद प्राण साहब ने कैरेक्टर रोल्स इतनी अच्छी तरह से निभाए कि जब उन्हें स्क्रीन पर देखते थे तो लगता ही नहीं था कि ये वही विलन है जिसके नाम से लोग कांप जाया करते थे, जिसके नाम पर लोग अपने बच्चों का नाम नहीं रखा करते थे।
खैर प्राण साहब आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके निभाए किरदार हमारे बीच हमेशा रहेंगे, हमेशा हमारे दिल में प्राण साहब जिंदा रहेंगे, एक बेहतरीन अदाकार के तौर पर, एक बेहतरीन शख्स के तौर पर। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।